वेलकम स्टूडेंट स्टूडेंट लाइफ इज़ द गोल्डन पीरियड ऑफ डेवलपमेंट लाइक वी अंडरस्टूड इन द प्रिवियस एपिसोड अबाउट मॉरल वैल्यूज़ लाइक पंक्चुअलिटी डिसिप्लिन और बहुत सारी मॉरल वैल्यूज़ एक स्टूडेंट की लाइफ में कितनी नेसेसरी होती है ऑल्सो वी अंडरस्टूड कि स्टूडेंट्स के पास नॉलेज तो है कि कब क्या कहाँ पर करना चाहिए बट एट द सेम टाइम देर आर मेनी स्टूडेंट्स जिन जो इमेच्योर होते हैं कोई डिसीजन लेने के लिए लाइफ में कोई परिस्थिति से डील करने के लिए एंड मैनी टाइम्स वी सी दिस की पेरेंट्स के होते हुए भी पेरेंटल गाइडेंस का अभाव बहुतों के जीवन में होता है लेट्स फाइंड एट आउट इफ देर इज लैक ऑफ पेरेंटल गाइडेंस इन स्टूडेंट्स लाइफ लेट्स नो हाउ टू लिव अ ब्राइट

आई वुड से कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना ये लाइफ ईजीली हैप्पीली क्रॉस तो कर लेते हैं बट मैनी अदर स्टूडेंट्स दे फील पीयर प्रेशर माँ बाप से बात नहीं कर पाते हैं कोई भी ऑब्स्टेकल आया कोई भी प्रॉब्लम आई लाइफ में तो उन्हें लगता है मैं अकेले ही हैंडल कर लूँगा कौन सी बड़ी बात है और ये भी देखा गया है कि मैं नहीं होती ये समझने की कि मुझे किसी से गाइडेंस सीनियर गाइडेंस की आवश्यकता है एक कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं आई कैन हैंडल इट और उसके बाद दे एंड अप टेकिंग रॉन्ग डिसीजन एक गलत डिसीजन से एंड होता है वो कोई भी चीज़ हो सो वॉट यू हैव टू से अबाउट दिस पहली चीज़ तो ये कि जो हमारा स्टूडेंट लाइफ है इसमें केवल एजुकेशन पे ध्यान दिया जाता है कोई देते हैं कोई नहीं देते हैं इतने मार्क्स लाने इस पर ध्यान दिया जाता है टीचर्स को भी रहता है मेरी क्लास का रिजल्ट इतना होना चाहिए इस बार लेकिन लाइफ को बनाना जैसे हम बात कर रहे थे पहले भी इस पर भी ध्यान होना चाहिए तो विद्यार्थी काल में ही उनको ऐसी चीजें सिखा दी जाएं कि वो ओवर कॉन्फिडेंट भी ना हो जाएं अपने बड़ों की गाइडेंस ले लें तो उन्हें मदद मिलेगी बहुत ज़्यादा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं विशेषकर जो गांव से आए होते हैं जिनको ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है कि हमें ये सब्जेक्ट लेने चाहिए या ये लेने चाहिए हमें भविष्य में किस फील्ड में जाना जिनके माँ बाप बहुत एजुकेटेड हैं वो तो अपने बच्चों को गाइड करते भी रहते हैं पर जो गाँव से आए हैं जिनके माँ बाप किसान हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं उनको पता नहीं होता कि बच्चों को किस दिशा में ले जाना है तो ऐसे में बच्चों को किसी ना किसी की गाइडेंस की जरूरत पड़ती है उनके साथ यदि कोई अच्छा गाइड होगा तो उनका भविष्य बहुत सरल हो जाएगा और जो कठिनाइयाँ उनको आती हैं उनसे वो बचे रहेंगे पर भाई साहब पता भी तो नहीं चलता है कि मुझे सीनियर गाइडेंस की ज़रूरत है या मैं कॉन्फिडेंट हो रही हूँ बहुत ज़्यादा कोई भी निर्णय लेने में अपने आप को मैच्योर समझ के निर्णय ले लेते हैं और उसके बाद जब कॉन्सिक्वेंस आता है जीवन में कुछ गलत हो जाता है तब पता चलता है कि एक्चुअल में किसी के गाइडेंस की आवश्यकता थी बिल्कुल इसी के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे पास आने वालों की युवकों की संख्या छोटे बच्चों की संख्या भी बहुत है वो अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते रहते हैं हमारे यहाँ सिविल्स चलते हैं बच्चों के आठवीं क्लास से और बारहवीं क्लास तक पढ़ने वालों के कभी छोटे बच्चों से पाँचवीं से आठवीं तक के उसमें क्या है उन्हें थोड़ थोड़ी थोड़ी गाइडलाइन मिलती जाती है और उन्हें ये फ्लेक्सिबिलिटी भी आती जाती है भी आती जाती है लाइफ में कि वो अपने साथियों से भी कुछ शेयर कर लें क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने साथियों से भी कुछ शेयर नहीं करते हैं और जो उनको निर्णय लेना खुद ही ले लेते हैं। चलो माँ बाप से नहीं बात हो रही कुछ ऐसे फ्रेंड्स हर एक के होते हैं या फ्रेंड्स के फ्रेंड्स होते हैं जो थोड़े बड़े हैं आयु में वो भी उन्हें अच्छी राय दे सकते हैं तो उनकी मदद अवश्य ले लेनी चाहिए वेरी ट्रू आपने जो बोला कि हम नहीं शेयर कर पाते अपने फ्रेंड्स से चलो पेरेंट्स तो एक एज कैप हो जाता है इसलिए नहीं शेयर करते बट हाउ अबाउट फ्रेंड्स जिनसे हम नहीं शेयर करते हैं उस केस को तो लोनलीनेस के अंतर्गत माना जाता है शाइनेस लोनलीनेस और किसी की तो पर्सनैलिटी ही वैसी होती है कि वो बच्चा किसी से भी कुछ शेयर नहीं कर पाता और फिर आई थिंक सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो जाती है उस सिचुएशन में उस चाइल्ड को कैसे हैंडल करना चाहिए सपोज आई एम नॉट फीलिंग मेरे को फील ही नहीं हो रहा है कि मेरे को आपसे या किसी और से शेयर ही करना है कुछ हाँ। और सही नेचर भी होती है वो करते ही नहीं पर्सनैलिटी हाँ। उनमें कईयों में एक सेटिल फीयर होता है क्या पूछें हाँ। पता नहीं वो क्या कहेंगे बड़े हैं डांटेंगे तो नहीं ये बातें होती हैं कईयों की इंट्रोवर्ट नेचर ज़्यादा होती है मतलब बचपन से ही वो चुप ज़्यादा रहते हैं माँ बाप भी उनसे उनके परेशान होते हैं क्योंकि नेचर तो कॉम्प्लीमेंट है ना हाँ नहीं वो कहीं कहीं अच्छी भी होती है पर टू मच इंट्रोवर्ट होना बच्चों के लिए वो अच्छा नहीं होता है बच्चों को हंसना बहलना भी चाहिए अपनी बात शेयर भी करनी चाहिए बातचीत भी करनी चाहिए थोड़ी गपशप भी करनी चाहिए खेल कूद भी करना चाहिए थोड़ा अपने फ्रेंड सर सर्क, सर्किल में घ मिल के भी रहना चाहिए जब वो बहुत बड़े हो जाए तब इंट्रोवर्ट होना वो एक अलग चीज़ होती है या जो स्परिचुअल पाथ पर हैं उन्हें इंट्रोवर्ट होना होता है लेकिन उसका इंट्रोवर्टनेस एक मायूसी जैसी नहीं एक ऐसा नहीं जो किसे बात नहीं कर रहा है किसको देख नहीं रहा है जिसके जीवन में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है वो नहीं ये रमणीकता के साथ अंतर्मुखता हमारी स्पिरिचुअलिटी में शब्द है ह्यूमरस भी हो इंट्रोवर्ट भी हो खुले भी हो, इंट्रोवर्ट भी हो। तो कई बच्चे जो ऐसे होते हैं वे दूसरों की तरफ बिल्कुल नहीं जाते राय नहीं लेते तो फिर ये ऐसी टेंडेंसी बढ़ती है निराश हो गए बहुत हताश हो गए फिर आजकल क्या जमाना है जब किसी चीज़ का कोई आंसर नहीं मिलता तो चलो नेट पे ढूंढ लेते हैं बहुत चल ले। टाइम ही नहीं लगता ये बहुत ज्यादा चल गया है अब नेट पर ढूंढते ढूंढते वो कहाँ चले गए और ये प्रवृत्ति कभी कभी उनको एक गलत मार्ग पे ले जाती है सुसाइडल टेंडेंसी की ओर ले जाती है वो सीख लेते हैं कुछ गलत चीजें उसको रोकना बहुत जरूरी होता है क्योंकि ऐसा बहुतों के साथ कितने परिवार बेचारे दुखी हो गए कि बच्चों न, हाँ बच्चों ने ये सब देख के सुसाइड कर लिया और बच्चा अकेला था माँ बाप को माँ बाप को तो जैसे पहाड़ गिर गया हो सिर पे तो बच्चा तो कुछ सोचता नहीं लेकिन उसका परिणाम कितना बुरा होता है बाद में ये तो उनको भुगतना पड़ता है जो जीवित हैं तो इसलिए इस टेंडेंसी से बहुत बचना है मैं सब युवकों को कहूँगा कुछ भी हो जाए मरने का ख्याल कभी नहीं करना है हमें जीना है सुख से जीना है सफलता से जीना है बहुत उमंग उत्साह से जीना है आगे बढ़ते हुए जीना है ऐसे संकल्प सदा अपने मन में दोहराते रहना चाहिए वास्तव में ये हमारे स्कूलों में सिखाया जाना चाहिए कि सवेरे उठकर बच्चे ऐसे सुंदर विचार करें मुझे जीना है सुख से जीना है ऐसा जीना है कि दूसरे लोग जीना जीना सीख जाए जीवन जीना सीख जाए मुझे बहुत उमंग उत्साह से जीना है आगे बढ़ते हुए जीना है निराशाओं को ठुकराते हुए जीना है सवेरे उठ के ऐसे सुंदर सुंदर विचार करेंगे ना तो बड़े एनर्जेटिक होंगे और इससे उनमें वो पावर आएगी कि वो जीवन में चाहे कुछ भी आ जाए उसे हंसते हंसते फेस कर लेंगे तो ये तो किसी भी चाइल्ड के लिए या किसी भी बच्चे के लिए चार्ज होने की बहुत अच्छी टेक्निक है बिल्कुल कि अच्छे विचारों से सुबह की शुरुआत करें एलिवेटेड थाट से अब भाई साहब मोस्ट ऑफ द टाइम एज गैप के बारे में जब बात करें तो पेरेंट्स से प्यार भी नहीं मिलता है वो सस्टेनेंस वो पालना भी नहीं मिलती है ठीक है हम नहीं बता रहे हैं हमारा इंट्रोवर्ट नेचर है इज वन थिंग पर उस साइड से कभी प्यार वैसा सस्टेनेंस वैसी पालना भी नहीं मिलती है कि जाके कुछ शेयर करे या वैसा कॉन्फिडेंस डेवलप हो तो इससे ये देखा गया है कि फिर लव अफेयर्स। ना वेरी ट्रू इसमें क्या हो रहा है कि माँ बाप के बीच में खुद ही लड़ाई हो रही है हाँ. उनका प्यार ही सूख गया है हुँ. तो बच्चों को देंगे क्या हुँ. ये बहुत बड़ी मिसिंग हो रही है हमारे समाज में आजकल कि मनुष्य इतना टेंस है मान लो पति भी जॉब पर है पत्नी भी जॉब पर है हारे थके आए हैं ना जाने क्या क्या हुआ है ऑफिसों में हाँ। वो सब यहाँ लेकर आए हैं घर में बच्चे हैं बेचारे बैठे हैं मम्मी आएगी अब मम्मी भरी हुई आई है <laughs> उसको भी प्यार की जरूरत है बच्चे उसे प्यार करके हल्का करे ऐसी जरूरत हो रही है तो ये जो सामाजिक हमारी व्यवस्था हो गई है अच्छा कोई डेवलपमेंट भी है ठीक है इकोनॉमिकली परिवार अच्छे हो गए हैं लेकिन इससे वो जो प्यार है उसकी बहुत कमी पड़ गई है तो बच्चों को जब प्यार नहीं मिलता क्योंकि प्यार एक बहुत बड़ी पालना है ये मनुष्य को समझ लेना चाहिए तो माँ बाप क्या है एक ही चीज है उनके पास पढ़ो पढ़ो होमवर्क किया कोचिंग में गए ये क्या काम क्यों नहीं किया तो प्रेशर बच्चों पर एक ही बना रहता है एक एक ही सेंटेंस डायरेक्शन आता है तो क्या है कि बच्चे बेचारे रोज सुन सुन के इरिटेट होते रहते हैं और माँ बाप को ये जानना चाहिए और सभी को जानना चाहिए बच्चों पर जितना प्रेशर रखेंगे प्यार की कमी रखेंगे बच्चों को जितना डांट डपट करेंगे उनका बौद्धिक विकास उतना ही कम होगा हमें बच्चों से ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो रात दिन पढ़ें बल्कि ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो बुद्धिमान बन जाएं। तो बुद्धिमान बच्चों को रात दिन पढ़ने की जरूरत थोड़ा ही एक बार पढ़ा हो गया काम सब याद हो गया परफेक्टली सब कुछ ठीक ठाक एग्जाम भी हंसते हंसते देंगे तो प्यार की पालना की बहुत ज़्यादा जरूरत है ये बिल्कुल सत्य है केवल प्रेशर नहीं पर इस वर्ड को मिसअंडरस्टैंड भी किया गया है कि प्यार से पालना देंगे तो इसका डिसएडवांटेज ले लिया जाएगा हाँ। प्यार को लिबर्टी इंडिपेंडेंस या हाँ, गलत रास्ते पे इतना प्यार नहीं कि बच्चे सब कुछ छोड़ दें लेकिन जो माँ बाप के द्वारा प्यार दिया जाता है देखो एक बच्चा रो रहा है छोटा बच्चा दो साल का डेढ़ साल का वो रो रहा है सोया था जग गया रोने लगा माँ जाती है प्यार से थप थपी देती है पुच काटती है सो जाता है बच्चा इस प्यार में बच्चा बिगड़ेगा थोड़ा ही फिर से सो गया वो ये प्यार एक बहुत सटिल चीज है जो मनुष्य को पालना का अनुभव कराता है उसे रिलैक्स करता है उसको एक सिक्योर फीलिंग देता है ये प्यार, नहीं तो जैसे आपने कहा वे अफेयर में भटक जाते हैं और वो किससे प्यार कर रहे हैं? उन्हें भी नहीं पता उन्हें पता नहीं होता जो आगे चलकर जीवन के लिए मैं शब्द यूज करूँगा बॉस डेंजरस होता It है कई योग तो ऐसा हुआ बस पता ही नहीं था कौन था और मैरिज कर ली कोर्ट में जाके जब घर में गए तो पता चला असलियत क्या है आँख खुल गई जाते ही आँख खुल गई बहुत बड़ी गलती हो गई मम्मी को फ़ोन किया अब कोई तो माँ बाप बेचारे समझदार होते हैं कि बच्ची छोड़ के आ जाओ डिवोर्स करा देते हैं कोर्ट से लेकिन कोई कोई होता है तुमने हमारी नाक कटा दी तुमने हमें बदनाम करा दिया खेल बिगड़ जाता है जीवन का इसलिए माँ बाप यदि प्यार की पालना देंगे तो ये, बहुत ये तो माँ बाप के लिए पर क्या उन सब बच्चों का जिनको मिल ही नहीं रही है ये सब सस्टेनेंस की चलो ये सब सुन के भी माँ बाप का प्यार नहीं मिल रहा है जीवन में और वो कमी वो अकेलापन जीवन से जा ही नहीं रहा है तो उस समय अपने आप को क्या समझाना चाहिए हमें बिल्कुल ये बाहर निकलना हाँ ये कईयों के साथ प्रैक्टिकल चीज है अब कोई उम्मीद नहीं है कि माँ बाप का प्यार मिलेगा डिवोर्स होने की नौबत आ गई है अब वो बात ही नहीं कर रहे आपस में बच्चों को जब वो देखेंगे तो एक नेगेटिव फीलिंग ही बच्चों को जाती है ऐसे में मैं फिर स्पिरिचुअलिटी की बात कहूँगा भगवान हमारा सच्चा माता पिता है जो प्यार का सागर है अगर बच्चे उससे कनेक्ट हो जाएंगे तो उसके प्यार की बरसात होने लगेगी और वो जब देखता है ऐसे बच्चों को कि इन्हें प्यार करने वाला दुनिया में कोई नहीं तो वो अपना सारा प्यार उड़ेल देता है तो बच्चों को प्यार का जो अभाव है वो फील ही नहीं होगा उन्हें अंदर ही अंदर एक डिवाइन लव की फीलिंग होने लगेगी और ये फल ये प्यार की फीलिंग ऐसी है जो मन उसको पूरी तरह कंटेंट कर देती है संतुष्ट फिर वो प्यार के लिए इधर उधर देखते नहीं हैं तो ये तो उन बच्चों की भी आवश्यकता होगी जिन्हें माँ बाप से प्यार मिल रहा है उन्हें भी तो ज़रूरत होगी बिल्कुल क्योंकि वो वो प्यार भी इनकम्प्लीट होता है डिपेंडेंट है हाँ और वो संपूर्ण प्यार नहीं होता है उसकी एक छोटी सी सीमा सीमा भी बहुत छोटी है उसकी तो अगर परमात्मा से जुड़ जाए जिसको हम माता पिता कहते हैं तो उसका असीम प्यार फिर ऐसा कर देगा बच्चों को कि बच्चों से वो प्यार माँ बाप को अनुभव होने लगेगा हमारे बच्चे बहुत प्यारे हैं तो उनको उनकी भी टेंशन दूर हो जाएगी उनको देखते टॉकिंग अबाउट दिस कनेक्शन वॉट यू सैद भाई साहब की परमात्मा से कनेक्ट होके प्यार लें रिसीव करें पर क्या इसके बाद चाहे स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो उनके लिए लव अफेयर्स में जाना या किसी रिलेशनशिप में जाना हाउ राइट यू फाइंड इट कितना सही लगता है आपको ये सब पढ़ाई के दौरान करना कि ये डिस्ट्रैक्शन देखिए बिल्कुल तो सही आप कह रही हैं मैं तो सबको यही कहता हूँ हमारी भारतीय जो परंपरा थी क्यों थी कि स्टूडेंट लाइफ में मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करे क्योंकि उससे ही मनुष्य की बुद्धि संपूर्ण रूप से एकाग्र होगी अब यहाँ देख लीजिए एक लड़का दसवीं में पढ़ता है उस लड़के का लड़की से प्यार हो गया उसकी एकाग्रता संपूर्ण रूप से समाप्त हो गई टीचर क्या पढ़ा रहा है वो उसके पल्ले नहीं पड़े कुछ भी जाता ही नहीं है। जाएगा ही नहीं वो एकाग्रता उसकी पूरी तरह जीरो पर आ जाएगी इसलिए फेलियोर हो रहे हैं लोग अच्छा फिर जो आगे की चीज है उसकी तो चर्चा हम करते ही रहते हैं फिर खेल बिगड़ जाता है जीवन का देखा गया टॉपर्स भी जो फर्स्ट रैंकर्स भी जो अपने स्कूल में फर्स्ट रैंक फर्स्ट स्टेज पे टॉप करते हो वो भी फेल तो हो, फेल, हो, फेल हो जाते हैं हमने खुद देखा माँ बाप लाते हैं बच्चे को इन्हें नाइन्थ क्लास में वो क्लास में नाइन्टी एट परसेंट मार्क्स लाए हैं अब ये बारहवीं में आ गया है इसे भी लग रहा हमें भी लग रहा भी है पास भी होगा या नहीं केस आते हैं प्रैक्टिकली मैं समझ जाता हूँ मैं पूछता हूँ अलग कर देता हूँ माँ बाप को तुम जाओ मैं बात करूंगा इनसे पूछता हूँ क्या है गर्लफ्रेंड <laughs> के हाँ मैंने कहा बिगड़ गया ना खेल तुम्हारा गर्लफ्रेंड तुम्हें काम आएगी क्या वो तो तुम्हें काम नहीं आएगी वो तो छोड़ के चली जाएगी उसका कोई और भी बॉयफ्रेंड होगा और तुम अकेले रह जाओगे तुमने अपनी लाइफ पर कैसा बैड इफेक्ट डाल दिया इसलिए अब ये पढ़ने का समय है पर गर्लफ्रेंड तो काम नहीं आ रही है ये तो समझ में आ नहीं आता उस समय वही वही दिखता है कि नहीं मैं तो ठीक डायरेक्शन में जा रहा हूँ बैलेंस कर लूंगा अपनी लाइफ को ये मेरे को काम नहीं आएगी जीवन में और ये मेरे जीवन को निर्माण करने का पीरियड चल रहा है ये तो बात बहुतों के समझ में नहीं आती है तो मैं वही बताता कि उस लड़के को जब हमने समझा उसने छोड़ दिया सब कुछ और अपनी पोजीशन काफी अच्छी बना ली छः मास में ही कम से कम नाइन्टी नहीं तो एट्टी परसेंट तक वो पहुंच गया माँ बाप खुश हुए कि अच्छा चलो कुछ तो हुआ नहीं तो हमें लग रहा था इसके फोर्टी परसेंट भी नहीं आएंगे तो ये जो गलत परंपरा हमारे समाज में प्रचलित हो गई हालांकि माँ बाप इससे बहुत दुखी होते हैं और समाज ने इस परंपरा को बढ़ा दिया है ऐसी बढ़ गई है कि लोग सोचते हैं जिस लड़की का कोई बॉयफ्रेंड नहीं सोचता इसको तो कोई पसंद नहीं करता आ, है। उनको बोलते हैं ओल्ड फैशन है आउट ऑफ़ फैशन लेकिन वो कर ये है। सारा फैशन जो है उनके जीवन को डैमेज करता है तो मैं तो कहूँगा विद्यार्थियों को इन सब चीजों से बच्चे बात का तो जीवन पड़ा है ना इन सब के लिए तो और इसमें मैंने ये भी देखा कि जो इस तरह की मैरिजिज होती हैं लव मैरिज उसमें से अधिकतर फेल्योर हो रही हैं तो उनका जीवन संघर्ष भरा हो जाता है इसे कोई फ़ायदा नहीं है मैं ये भी जानता हूँ कि ये युवक हमारी बात को इतनी वैल्यू नहीं देते बल्कि हम हंसेंगे हम पे ये इन्हें क्या पता है तो बूढ़े हो गए लेकिन जब वो कड़वे अनुभवों से गुजरते हैं तब कहते हैं कि यू आर राइट तो अभी समझ जाएंगे तो पढ़ाई में एकाग्रता रहेगी और सफलता बहुत एंड आई ऑल्सो फील भाई साहब कि जो भी यूथ आपको देख रहे हैं वो ये तो एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं इंस्टेड ऑफ समझने की नहीं इनको नहीं समझ में आता इनकी एज क्रॉस है या ये हमारी फीलिंग्स को वो ये तो समझते ही हैं कि ये सब करके हम पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं वो हर एक का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बहुत सारी चीज़ें हम खोते जा रहे हैं सिर्फ एक प्यार को पाने के लिए और वो प्यार भी सच्चा नहीं होता वो प्यार स्वार्थ भरा प्यार होता है और अगर स्पिरिचुअल लैंग्वेज में हम कहें तो वो प्यार देह का प्यार होता है वो प्यार रियल प्यार नहीं होता और थोड़ी दिन देर में हम देखते हैं उसका किसी और से प्यार होगा अब ये परेशान हो रहे हैं पता चल गया उसको लड़की को कि मेरा जो बॉयफ्रेंड था वो तो किसी और से प्यार करने लगा अब इसका दिल ही टूट गया इसको पता चल गया प्यार सब झूठा है ये घटनाएं भी कम नहीं हो रही हैं बहुत हो रही हैं और पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शन बहुत बुरी चीज है वही तो जीवन का लक्ष्य था उसमें ही हम पीछे हो गए फेलियर हो गए तो हम करेंगे क्या और उसी से जीवन का निर्माण होना आ, है जो मैं बनके एक लक्ष्य रख के आगे बढ़ती हूँ एक टारगेट एक एम एंड ऑब्जेक्टिव रखती हूँ कि मेरे को ये बनना है सपोज डॉक्टर जैसे मैं जब मेडिकल की पढ़ाई पढ़ रही थी तो एक टारगेट था सामने कि डॉक्टर बन के निकलना है उस बीच में ये सब डिस्ट्रैक्शंस आ जाएं और पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होकर किसी और में बुद्धि लग जाए तो मनोजीवन भर पछताता है पूरी लाइफ खराब क्योंकि हम देखते हैं ना जो बड़े हो गए अब जिन्होंने स्टूडेंट लाइफ में किए किया वो पैंतीस साल के हो गए कहते ओहो कितनी बड़ी गलतियाँ की हमने अब हमारे साथी कितनी बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं और हम यहाँ बाबू बने बैठे हैं हमारी कोई वैल्यू नहीं है समाज में तो आजकल लोग पहले ही पूछते हैं आपका लड़का क्या कर रहा आज तो, तो <laughs> तो है आजकल तो <laughs> तो ये, nice. ये ऐसी चीज है इसलिए अगर पहले ही मैच्योरिटी के साथ समझदार बनकर जीवन को निर्माण कर ले वो समय है। अभी पांच सात साल ही तो बचते बच्चा वेल सेट मतलब बाकी सब तो चीज खो देते हैं हम पढ़ाई खो गया मतलब एक अच्छा करियर वो भी छूट गया सब छूट गया बट लाइक यू सेड कि क्लर्क बन जाते हैं तो उसके बाद जिनसे प्यार करते हैं वो भी छोड़ के वो भी प्यार नहीं मिलता।, मिलता है वो रिलेशनशिप भी नहीं रहता है सब नष्ट हो जाता है और यही कारण है फिर युवक डिप्रेशन में जा रहे हैं बहुत सारी जो मानसिक बीमारी है वो युवकों में ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है आजकल और फिर सुसाइडल टेंडेंसी और सारी निगेटिविटी तो हमें इससे बचाना है इस समाज को हम केवल ये कह के छोड़ नहीं देंगे कि ये ये हो रहा है हमें समाज को अपने युवा वर्ग को जो देश का भविष्य है उसको इन चीज़ों से बचाना है एक नई लाइट उनको देनी है हमें लाइट हाउस बनकर और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा युवा वर्ग वो दसवीं क्लास के बाद के सब युवक अब मैच्योर बनेंगे समझदार बनेंगे और कुछ अच्छी चीजें सीखेंगे ये वेस्टर्न जो लहर है इसमें बह नहीं जाएंगे I mean, आप जैसा सोचते हैं वैसा जरूर होगा सो इट्स टाइम टू बिकम अ गाइडिंग लाइट लाइट हाउस बन के सबसे पहले अपने लाइफ को सेट करना है फिर पूरे विश्व के लिए एक एग्जाम्पल बनना है कि कैसे अपने एम ऑब्जेक्टिव टारगेट को अचीव करें थैंक यू सो मच भाई साहब थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल लाइट ओके सुनाओ वी आर ऑल सेट टू स्टार्ट अ लाइफ विच इज़ फ्री ऑफ ऑब्स्टिकल्स फ्री ऑफ डिस्ट्रैक्शन फ्री ऑफ मैनी मोर प्रॉब्लम्स क्योंकि ये सबका रूट कॉज ही लव अफेयर्स या रिलेशनशिप है एंड यू नो वॉट वी डोंट अंडरस्टैंड कि ये डिस्ट्रैक्शन का रोल प्ले कर रहा है हमें लगता है कि प्यार ही सब कुछ है और हम बहुत जल्द उस फ्लो में बह के लाइफ स्पॉइल कर देते हैं वाइल भाई साहब सेड फॉर दैट वी हैव होल लाइफ पूरी पूरा जीवन पड़ा है उसके लिए पर जब डेवलपमेंट का टाइम है एक ऑब्जेक्ट को अचीव करने का टाइम है तब इंस्टेड ऑफ बीइंग इन अ रिलेशनशिप विथ एनीबडी एल्स आउटसाइड ये समय है कि गॉड फादर के साथ रिलेशनशिप डेवलप करके फुलफिल भाई साहब ने बताया कंटेंटमेंट एंड आई एम श्योर ये हमारे टारगेट को अचीव करने का ड्राइविंग फोर्स बनेगा विद दैट नोट थैंक यू सो मच